नेता जन चौपाल के बाद अस्तित्व बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं गुड़ विधानसभा में। उनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से टूटी सड़कें, टूटे पुल, शिक्षक भवन विहीन स्कूल, तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है। विकास करने वाले का विकास बोलता है उसको यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कहना कांग्रेस नेता का, जिसके चलते वो नई यात्रा निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी की रीवा जिले के गुड़ विधानसभा में अस्तित्व बचाओ यात्रा निकलने जा रही है। यह यात्रा अभी तक जन चौपाल लगाकर जन जागरण करने वाले कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्रा निकालने जा रहे हैं। श्री मिश्रा का कहना है, हमारे नेता ने पद यात्रा की, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया, हम देश जोड़ने वाले हैं। इस समय जहां देखो वहीं न्याय सुरक्षा की नीलामी हो रही है, चारों तरफ टूटी सड़कें, खराब सड़कें, टूटे पुल, जले ट्रांसफार्मर, भवन व शिक्षक विहीन स्कूल, बेरोजगारों की लंबी फौज, पेयजल सुरक्षा का गंभीर संकट, जहां देखो वहीं नजर आ रहा है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के नाम पर ढिंढोरा पीट रही है, विकास यात्रा निकाल रही है। विकास करने वाले क्या विकास यात्रा निकालते हैं? विकास स्वयं बोलता है उसको यात्रा निकालकर दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग इस समय विकास यात्रा का ढिंढोरा पीट रहे हैं। सुनिए स्थानीय काफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान जितेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा। उखड़ी सड़कें, टूटे पुल, जले ट्रांसफार्मर, खाई में तब्दील सड़कें, शिक्षक और भवन विहीन स्कूल, ये समस्याओं से लोग तमाम त्रस्त हो चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो आई है इस समय पूरे विधानसभा के अंदर नहीं, ये तो पूरे जिले में व्याप्त, आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। खेती बोते हैं और आवारा पशु उनकी खेती नष्ट कर देते हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। चुनाव के वक्त लोग जाते हैं कि क्षेत्र की हम तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज समूचे विधानसभा के अंदर जो वोट के सौदागर हो गए हैं, और इसकी शुरुआत गुड़ विधानसभा से हुई है। वोट के सौदागर चुनाव में उतराते हैं, लोगों को पैसे बांटते हैं और वोट खरीद के रफू चक्कर हो जाते, 5 साल तक उनका करता पता नहीं चलता है। हाजिर हुआ हूँ अपनी कुछ पीड़ा व्यक्त करने के लिए और जनता की पीड़ा व्यक्त करने के लिए। गुड़ विधानसभा क्षेत्र हमारा कर्म स्थल रहा है, हमारी जन्मस्थली रही है, और गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की पीड़ा को देखकर, जनता की समस्याओं को देखकर हमको बड़ी तकलीफ होती है। मैं पिछले 31 अक्टूबर 2021 से समूचे विधानसभा के अंदर गांव-गांव में जा रहा हूं, ज़्यादा तो पहले से भी था लेकिन मैं अब जा रहा हूं, जन चौपाल लगा रहा हूं पूरे विधानसभा में। जन चौपाल लगा के जनता, चाहे 20 लोग रहे, चाहे 50 लोग रहे, चाहे 100 लोग रहे, उनकी समस्याएं सुनता हूं और वहीं से बैठ करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता हूं। हमको देखने को ये मिलता है कि समूचे क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी समस्याओं से लोग परेशान हैं। गुड़ विधानसभा क्षेत्र का जो गौरवशाली इतिहास रहा है आज वो खतरे में पड़ गया है। समूचे विधानसभा के अंदर हालत ये है, सूखे खेत, भूखे पेट, खाली हाथ, ये गुड़ विधानसभा क्षेत्र की पहचान बन चुकी है। समूचे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप देखें छोटे छोटे कामों के लिए लोग परेशान हैं। नई पीढ़ी का भविष्य जो है खतरे में पड़ चुका है, हमको अंधकार में दिखता हुआ दिख रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुड़ विधानसभा क्षेत्र में लगा है, जिनको ने जनता ने वोट देके जिताया, जिनको विधानसभा लोकसभा में पहुंचाया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि युवाओं के लिए, वहाँ की जनता की
पीड़ा को गंभीरता से सुने, युवाओं के बारे में कम से कम बोल सके कि अगर बाहर की कोई कंपनियां यहां अपना प्लांट लगा रही हैं, कोई फैक्ट्री यहां लग रही है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सोलर प्लांट के अंदर इतना बड़ा सोलर प्लांट को विधानसभा में लगा है, एक भी स्थानीय व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। जिन सत्ता के मठाधीशों से, जिन बोर्ड के सौदागरों से, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उन सामंतवादियों और कातिलों लुटेरों से इस क्षेत्र को बचाएं और अपने वोट की कीमत लोग समझें, अपने वोट की कीमत पहचानें। जो क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित हो, चाहे कोई भी हो, हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम तो हमारी, चूंकि गुड़ विधानसभा क्षेत्र कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, हम जनता का विकास चाहते हैं, हम जनता की समस्याओं का निदान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जनता छोटी छोटी समस्याओं से परेशान है, कहीं ट्रांसफार्मर जले हैं, कहीं हैंडपम्प खराब है, किसी का वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही, निराश्रित पेंशन नहीं मिल रही, घर बनाने का पैसा नहीं मिल रहा है, तमाम भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, ये बंद हो समूचे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इसके लिए मैं जनता के बीच अलग जगाने कल से निकल रहा हूँ और इसी के लिए निवेदन करने आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया हूँ।